हम और आप लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम और आप लोगों ने शुरू किया हुआ था ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि इसके अंदर दो मेन पार्ट्स हैं हिस्से हैं इनमें से एक को हम और आप लोगों ने सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जबकि दूसरे को हम और आप लोगों ने पी एन एस पेरीफ्रल सिस्टम हम और आप लोगों ने इसको कहा हुआ था ये जो सी एन एस था इसके अंदर दो मेन पार्ट थे एक इसमें नो डाउट ब्रेन था जबकि दूसरे के अंदर स्पाइनल कार्ड भी प्रेजेंट था ब्रेन कितने इसके अंदर पार्ट्स होते हैं हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है बताया दिया ब, बता दिया आप लोगों को इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे स्पाइनल कार्ड में भी मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी हैं लेकिन ये जो सीएनएस है इनके ब्रेन से कुछ नर्वस निकले हुए होते हैं उन नर्वस को फिर हम और आप लोग कहते हैं क्रेनियल नर्वस इसी तरह से स्पाइनल कार्ड से भी निकले हुए हैं इनको हम और आप लोग कहते हैं फिर स्पाइनल नर्वस तो ये जो ब्रेन से जो नर्व निकले हुए हैं जिनको हम और आप लोग क्रेनियल नर्वस कहते हैं और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकले हुए हैं जिनको हम और आप लोग स्पाइनल नर्वस कहते हैं ये क्रेनियल नर्वस एंड स्पाइनल नर्वस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट दी पेरीफरल नर्वस सिस्टम वन इन दोनों में क्या क्या फर्क है और में, क्रेनियर और स्पाइनल के अंदर क्या क्या होता है इनकी तरफ आप लोगों की सही कंसंट्रेशन होनी चाहिए इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। वो ये है कि ह्यूमन बींगस में, में यह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर जो नर्वस होते हैं मैंने बता दिया वो तकरीबन वन हंड्रेड शबासेड बिलियन तक

फिर अगर हम और आप लोग यहां पे देख लें कि जो स्पाइनल कार्ड है उनसे भी ले निकले हुए हैं और फिर है। पिर है। तो बन जाएंगे उसी तरह से बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि, कि स्पाइनल टोटल कितने तो पेयर्स तो कितने है, पिर 31 बन जाते है। लेकिन कहीं अगर आप लोग इन दोनों को प्लस कर ले तो ट्वेल्व पेयर्स प्लस थर्टी वन पेयर्स तो फिर ये फोर्टी थ्री पेयर्स बन जाते हैं और अगर आप लोग फोर्टी थ्री पेयर्स को अनपेयर कर ले तो फिर ये हमारे साथ एटी सिक्स बन जाते हैं यही बात है कि बाद दफा बात पूछी जाती है कि पेरीफ्रल नर्व सिस्टम के अंदर टोटल नर्वस कितने होते हैं सो अंडरस्टूड बात है वो तो फिर एटी सिक्स होंगे लेकिन पेयर्स कितने होते हैं ऊपर फोर्टी थ्री पेयर्स हैं तो सेंट्रल नर्वो सिस्टम और पेरिफेरल नर्वोस सिस्टम में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सेंट्रल नर्वोस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं

इंटर न्यूरॉन भी बताया हुआ था एडजस्टर भी बताया हुआ था इसका मतलब यह हुआ कि जो CLS है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इट्स एक्सक्लूसिवली हंड्रेड परसेंट इज मेड अप ऑफ द एसोसिएट न्यूर लेकिन अगर हम और आप लोग उधर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ चले जाए तो वहां पर ये जो न्यूर होते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसो, एसोसिएट नहीं होते वहां पे सेंसरी भी होते हैं वहां पे मोटर भी होते हैं वहां पे एसोसिएटिव भी होते हैं तो अगर आप लोग इन दोनों में आपके बुक के ईटा के लिहाज से देख लें, तो सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग में सीएनएस और पीएनएस में न्यूरॉन के नंबर के लिहाज से डेंसिटी के लिहाज से कौन सा बहुत बड़ा है सीएनएस क्योंकि वहां पे 100 बिलियन न्यूरॉन है लेकिन अगर हम और आप लोग टाइप्स के लिहाज से, से न्यूरॉन को देख ले तो ये पीएनएस है क्योंकि पीएनएस में तीनों के तीनों न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं जबकि सीएनएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव होते हैं एक्सक्लूसिवली वहां पर कोई और किसी किस्म और किस्म का न्यूरान जो है ये प्रेजेंट नहीं होता नेक्स्ट अगर हम और आप लोग इन एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को देख ले तो आपके कोर्स के लिहाज से कि जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं ये तो मल्टीपोलर होते हैं इसमें कोई शक नहीं है जबकि जो पीएनएस होता है इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उधर पे तो सेंसरी भी है उधर पे तो मोटर भी है उधर पे तो एसोसिएटिव भी है तो जो सेंसरी है ये बात तो आज हम और आप लोगों ने पढ़ ली है ना कि ये जितने भी होते हैं सेंसरी ये तो यूनिपोलर है यानी मानोपोलर होते हैं जबकि मोटर और जो एसोसिएटिव है ये तो मल्टीपोलर है इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूरॉन है जो मैंने आप लोगों को आज बता दिया है कि एम्ब्रियालोजी के बेस पे हम इनको तीन ग्रुप्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिपोलर मल्टीपोलर मल्टीपोलर तो अगर आप लोग सी में देख ले जितने भी है सारे के सारे होते है। के होते हैं जबकि अगर आप लोग एस के अंदर देख ले तो वहां पर यूनिपोलर भी होते हैं और मल्टीपोलर भी होते हैं ये बड़ा खूबसूरत डिफरेंस है बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है चूंकि आज हम और आप लोगों ने ब्रेन और स्पेनल कार्ड के बारे में पढ़ लिया है टॉपिक हमारा एन एस है लेकिन अब अगर हम और आप के आ जो के है, याद रख ले कि जो डिफ्रेंसिस होते हैं है, इनमें है, इन मोटर भी होते हैं और इनमें एसोसिएटिव भी होते हैं सेंसरी का दूसरा नाम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था एफेरेंट मोटर का दूसरा नाम इफीरेंट एसोसिएटिव का दूसरा नाम मिक्स्ड इनके अलावा इंटरन्यूरान इनके अलावा एडजस्टर ये यह मुख्तलि आप लोगों को बताए हुए थे लेकिन याद रख लें कि उधर पे जो स्पाइन नर्व्स होते हैं ये सारे के सारे यानी हंड्रेड परसेंट ये एसोसिएटिव होते हैं

थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड ट्वेल्व ऐसे मैंने सबको लिखवा दिया है तो इनमें सेंसरी वाले कौन कौन से होते हैं जिसको ग्रीन मार्कर से मैं इसको इन सर्कल कर रहा हूं नंबर वन नंबर टू एंड नंबर एट वाला ऐसे नहीं है कि मैंने सेंसरी वाले कौन कौन से होते हैं और आप लोग देखिए वन टू तो, थ्री ऐसे नहीं होता नंबर वन नंबर टू एंड नंबर एट ये जो न्यूरो साइंस होता है इनमें हर एक न्यूरोन का अपना अपना नाम है वन का अपना टेक्निकल नेम क्या है सेकंड का क्या है थर्ड का क्या है फोर्थ का क्या है कोर्स में नहीं है अदरवाइज मैं आप लोगों को बता भी देता इसमें हर एक का अपना अपना नाम है लेकिन अगर आपको वो नाम याद नहीं है तो फिर आप लोगों को ये ऐसे याद होने चाहिए कि वन टू एंड एट ये वन जो होते हैं ये सेंसरी होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसरी हमारे साथ बनते हैं वो टोटल थ्री पेयर्स बनते हैं क्योंकि ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और अगर कहीं मैं इनको अनपेयर कर लू तो फिर मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू सिक्स वन इसका मतलब ये हुआ कि कहीं के बात पूछी कि वाले कितने प्रेजेंट होते हैं सो नो डाउट वो टोटल सिक्स होते हैं हाँ अगर पेयर्स के बारे में पूछा गया

ये जो मोटर वाले होते हैं जो मोटर वाले होते हैं ये टोटल जो 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 मोटर वाले होते हैं ये टोटल फाइव पेयर्स होते हैं ये फाइव पेयर्स होते हैं अगर मोटर वाले फाइव पेयर्स होते हैं सॉरी फाइव पेयर्स होते हैं तो इसका मतलब ये हो कि कहीं अगर मैं इसको उसी तरह से बात होगी अगर मैं इसको अनपेयर कर लू तो फिर ये टेन बन जाएंगे उसी तरह से आप लोगों से बात पूछी जा सकती है कि मोटर निवरान टोटल कितने होते हैं में फाइव है, लेकिन अगर हम इसको कर ले तो फिर टेन बन जाते हैं तो अगर आप लोग वान वान से में से कौन कौन से वाले हैं जो कि क्या है मोटर वाले में आते हैं तो इनमें से मैं रेड से कर रहा हूं एक थ्री है फाइव है सिक्स है

सेवन है नाइन है और टेन है और इसको मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ फोर्टी सेवन सैंतालीस नौ सौ दस इसको मैं लिखवा लेता हूँ और अगर आप लोग इसको काउंट कर ले सो वन टू थ्री फोर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ जो फोर पेयर्स होते हैं कितने जो हमारे साथ फोर पेयर्स होते हैं वो फिर एसोसिएटिव वाले हैं लेकिन कहीं अगर आप लोग इसको अनपेयर कर ले तो फिर ये एट बन जाएंगे जो एट होते हैं टोटल वो हमारे साथ एसोसिएटिव वाले हैं क्रेनियर वाले में हैं तो आमतौर तो पर ईटम इसके ऊपर एमसी क्यूज आते हैं बास दफा कैसे कि इनमें से कोई नंबर आप लोगों को दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल एलेवन आप लोगों को दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से ये कौन सा नर ऑफ नंबर है आसानी हो जाएगी बास दफा आप लोगों से ऐसे पूछा जाता है शाबाश के आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला है जो कि मोटर वाला है फॉर एग्जाम्पल उधर पे फिर फिगर होगा नंबर सिक्स तो इस तरह से आप लोगों को ये बात पता चल जाएगा लेकिन एक और पॉइंट वो ये है कि जो सेंसरी थे जो एफेरेंट थे इसके बारे में हम और आप लोगों ने यह बात तो पढ़ी हुई थी ना कि मोटर सारे 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 और एसोसिएटिव आप आप तो सारे सारे तो तो से बजाय ये 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 से ये बात पूछी जा सकती है कि नर्व नंबर एट कौन सा वाला है यूनिपोलर बाईपोलर मल्टीपोलर ये कौन सा वाला है आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है तो अगर आप लोग नंबर एट को देख ले

तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका मतलब सारे मल्टीपोलर है इसका मतलब यह हुआ कि स्पाइनल कार्ड के अंदर या स्पाइनल नर्वस के अंदर कोई भी यूनिपोलर या बाईपोलर वाला निवरान नहीं होता सारे के सारे जो होते हैं ये एसोसिएटिव वाले प्रेजेंट होते हैं एक और पॉइंट जिससे आप लोग इसको निकाल सकते हैं वो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो टोटल नर्वस है वो तो 43 यानी 86 नर्वस है अब कहीं अगर आप लोगों से पूछा गया कि में कितने थ्री पेयर है, है? So no है. शा, है क्योंकि उधर पे सेंसरी नहीं है लेकिन टोटल मोटर कितने है वो फिर फाइव पेयर्स है वो उधर पे नहीं है लेकिन कहीं पूछा गया टोटल एसोसिएटिव कितने हैं सो यू नो कि क्रेनियल के अंदर फोर पेयर यहां पे एसोसिएटिव है जबकि इनके अलावा स्पाइनल में जो थर्टी वन पेयर है वो भी सारे के सारे एसोसिएटिव है सो थर्टी वन पेयर प्लस फोर

तो अगर आप लोग ह्यूम के नर्वस सिस्टम को देख ले तो इनके अंदर जो टेक्निकेलिटीज़ है पेरिफ़ेरल नर्वस सिस्टम में ये कोर्स के मुताबिक है कोर्स में है इसलिए आप लोग को पता भी होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग क्रेनियन नर्वस को देख ले क्रेनियन को आप लोग देख ले तो वो ट्वेल्व पेयर्स है ये ट्वेल्व पेयर्स में से एलेवन पेयर्स जो है एलेवन पेयर्स वो ब्रेन से निकले हुए हैं और ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड पार्ट्स है ना इनको कंट्रोल करते हैं सिर्फ इसमें एक नर्व है नंबर नंबर और जो 10 है अगर आप लोग देख ले उसको मैंने लिखा हुआ है, के ये 10 है के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है इस नर्व का नाम आपके कोर्स में दिया गया है वो है वेगस नर्व और जो वेगस नर्व है इसका नाम जो है आपके कोर्स में जो पेज नंबर शाबा से ये जो पेज नंबर पेज नंबर 104 जो है वहां पे जो डायग्राम है वहां पे डायग्राम के अंदर उसने वेगस नर्व का नाम दिया भी हुआ है बाकी नर्व्स के बाकी वन टू थ्री इनके नाम नहीं है सिर्फ और नंबर टेन का दिया गया है यह वाहिद नर्व है जो ब्रेन से नीचे आ जाता है और बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स को कुछ ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं डायग्राम में उन्होंने वो ऑर्गन शो भी किए हुए हैं लीवर्स है एटसेट्रा एटसेट्रा इनको ये कंट्रोल भी करता है इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन के में से ट्वेल्व पेयर्स में से सिर्फ एक पेयर है सिर्फ है जो कि नंबर टेन है जिसका नाम है वेगस नर्व जो ब्रेन से नीचे आया हुआ है और नीचे पार्ट्स को कंट्रोल करता है बाकी जो एलेवन पेयर है वो हेड के साथ एसोसिएटेड जो पार्ट्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है क्लियर सेकेंड अगर हम आप लोग आ हैं स्पाइनल नर्व के ऊपर वो टोटल थर्टी वन पेयर्स है जो थर्टी वन पेयर्स हैं थर्टी वन पेयर है, है इनमें से जो हमारा वर्टिब्रल कालम है यू you नो know, बहुत वहां पे 33 थ्री वर्टिब्री होते हैं इन 33 थ्री वर्टिब्री को फंक्शन के बेस पे इनको फाइव टाइप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है सर्विकल है, तोरेसिक है लंबर है सेक्रम है कागजिक्स है पर यू you नो know, सर्विकल में सेवन वर्टिब्री होते हैं तोरेसिक में ट्वेल्व होते हैं पर ये पेयर नहीं होते वर्टिब्री होते हैं लंबर में फाइव वर्टिब्री होते हैं सेक्रम में फाइव होते हैं में फोर टू फाइव होते हैं लेकिन ये वो होते हैं जब हम और आप लोग बोन्स की तरफ आ जाते हैं और हम इसको काउंट करते हैं तो सर्विकल में सेवन है सेवन बोन्स भी है क्योंकि है तो रेसिक में सेवन सॉरी ट्वेल्व और है से है ट्वेल्व बो, बोन्स भी हो गए हैं लंबर में फाइव और है से है फाइव बोन्स भी हो गए हैं सेक्रम में फाइव और है फ्यूज है बोन एक हो गया है

उनको हम और आप लोग स्पाइनल नर्वस कहते हैं जो कि थर्टी वन पेयर है अब मेरी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए तो होता क्या है कि सर्विकल रीजन में वर्टिब्री कितने हैं सेवन बोन्स कितने हैं सेवन क्योंकि वो सेपरेट है लेकिन इनसे कितने नर्वस निकले हुए हैं एट पेयर बुक ने क्लियर कट लिखा हुआ है भूलना नहीं है सो वर्टिब्री सेवन बोन सेवन नर्वस जो है ना स्पाइनल नर्वस वो इनसे एट पेयर निकले हुए एक ज्यादा है ऊपर की तरफ है सेकंड जो तोरेसिक रीजन है इसमें वर्टिब्री कितने हैं ट्वेल्व बोन्स कितने हैं ट्वेल्व नर्वस कितने हैं ट्वेल्व पेयर्स आप लोगों को याद होने चाहिए जो लंबर रीजन है इसमें वर्टिब्री कितने हैं फाइव बोन्स कितने हैं फाइव नर्वस कितने फाइव पेयर्स ये जो नीचे सैक्रम रीजन है इसमें वर्टिब्री कितने हैं फाइव बोन्स कितने हैं एक जबकि इनसे नर्व्स कितने निकले हुए हैं फाइव पेयर जो कागजिक्स रीजन है टेल वाला जो रीजन है वर्टिब्री कितने हैं फोर टू फाइव लेकिन फ्यूज है बोन कितने, है? One. Nerve कितने है? One pair. तो अगर आप लोग वर्टिब्री को काउंट कर लो जो मैंने काउंटिंग बता दी है वो थर्टी थ्री आएंगे बोन्स काउंट कर ले वो ट्वेंटी सिक्स आएंगे काउंट कर ले तो वो थर्टी वन पेयर आएंगे लेकिन तोड़ा -तोड़ा है। पेर है, पेर नहीं है और नंबर टू बाद जितने भी हैं ये सारे, के सारे एसो, एसो यू है। लेकिन थर्टी वन के थर्टी वन पेयर हेड के नीचे जितने पार्ट्स है सबको कंट्रोल करता है इनमें कोई भी नर्व ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की तरफ चले जाए और ऊपर वाले पार्ट्स को कंट्रोल कर सके

आपके कोर्स के अंदर है कि इस पेरीफ्रल नर्व सिस्टम को हम बास दफा इस पेरीफ्रल नर्व सिस्टम को हम बास दफा दो और ग्रुप में भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं टेक्निकल होता है इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं सोमेटिक पेरीफ्रल नर्व सिस्टम और दूसरे को हम फिर कहते हैं ऑटोनॉमिक पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम इनको हम फिर कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं हम उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं जिनमें वो नर्वस आते हैं जो आपके बॉडी के अंदर उन पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं जिनमें आपकी विल होती है जिनमें आपकी जिनमें आपकी विल होती है जिनमें आपकी ख्वाहिश होती है मतलब एक आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप लोग अपने बॉडी में भी कहीं देख ले तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलंटियर होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं तो ये जो सोमेटिक सोमेट्रिकिफिन सिस्टम होता है इनमें वो नर्वस होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर उन पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं जो कि वॉलंटियर होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं ऑटोनॉमिक नाम से जाहिर है ऑटोमेटिकली जो इनवॉलेंट्री होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है जो इनवॉलेंट्री है वो हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स हैं इनके अलावा जो कार्डियक हार्ट वाले मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री है तो ये इनको कंट्रोल करते हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक होता है ये जो सोमेटिक होता है इनमें पेरिफेरल नर्व सिस्टम में वो नर्वस हैं जो कि सारे के सारे एसोसिएट एसोसिएटिव है इसका मतलब है है कि जितने भी नर्व सिस्टम एसोसिएट आप को फिर पता होना चाहिए मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कर लिया है कि वो जितने भी है वो 35 फाइव पेयर बनते हैं वो सारे के सारे सोमेटिक नर्व सिस्टम का हिस्सा है जो कि थर्टी फाइव हैं लेकिन जो ऑटोनॉमिक होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी और मोटर होते हैं इनमें वो एसोसिएटिव वाले नहीं होते और सेंसरी कितने थे थ्री पेयर और मोटर कितने थे फाइव पेयर इसका मतलब कि यहां पे टोटल एट पेयर हो गए हैं जो ऑटोनॉमिक होता है इनमें फिर दो सब पार्ट्स होते हैं एक वो कि जिसको हम और आप लोग पेरा जबकि दूसरे को हम और आप लोग नर्वस सिस्टम हम और आप लोग इसको कहते हैं ये पेरा सेंपेटिक वाला कौन सा है ये ऑटोनॉमिक है ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिकली जाता है लेकिन कब को जाता है व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज काम हर एक टिक टाक नॉर्मल हो आप बैठे हुए हैं सोए हुए हैं जागे हुए हैं किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये पैरासिंपेथेटिक वाला आपके बॉडी के अंदर एक्टिव होता है सेम्पेथेटिक वाला कब को जब इमरजेंसी हो फियर हो टेंशन हो एंजाइटी हो इमरजेंसी हो उस टाइम पे आमतौर पे आपके बॉडी के अंदर वाला एक्टिव होता है यह पता तो नहीं है कि इन और मोटर वाले में से कितने कितने के के अंदर है और कितने के अंदर है है और लेकिन मेरे लिहाज से जो पैरा सेम्पेटिक वाला है ये इमरजेंसी वाला नहीं है इतनी ज्यादा जल्दी से इसके ऊपर नर्व अंदर पास नहीं होता क्रिएट नहीं होता जितना कि सेम्पेटिक वाला होता है क्यों कि वो फाइट और फ्लाइट वाले हैं इमरजेंसी वाले होते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर है वो यह है कि न्यूरॉन हमारे साथ दो तरह के होते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व इंपल्स में हम और आप लोग देखेंगे कि जो नर्व इंपल्स होता है वो जिसके ऊपर तेज पास होता है वो माइलिनेटेड वाले के ऊपर होता है इसलिए सेम्पैथेटिक में जो न्यूरॉन आमतौर पर होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं जबकि पैरासिंपैथेटिक में ये आमतौर पर नॉन माइलिनेटेड वाले जो हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं तो कुछ क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में नर्वस सिस्टम की, की इस तरह से भी दी गई है एक क्लासिफिकेशन जब मैंने आप लोगों को बता दिया है उसके मुताबिक भी ये प्रेजेंट होता है थैंक यू वेरी मच